गुड मॉर्निंग आप सबको, फिर से हैप्पी नवरात्रि। आप देख सकते हैं मेरी आंखों में कुछ तो इन्फेक्शन है, एलर्जी हो गई है, बहुत इचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस आ गई है, तबीयत फिर थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा जाकर डॉक्टर को दिखा दूँ। आई एम सॉरी, पता नहीं आज ब्लॉग बना पाऊँगी कि नहीं, लेट्स सी। मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया और मैंने प्रेस्क्राइब मेडिसिन खाया भी है और लगाया भी है। थोड़ी सी स्वेलिंग अभी कम है, पेन भी हो रही थी और पानी भी आ रहे थे आंखों से, बहुत थोड़ा सा कम हो गया है। आज शायद मेरा दिन बहुत ही ख़राब है, आंखों में एलर्जी हुआ है और नेक में स्प्रेन भी हो गई है मुझे बहुत, तो मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे ही बैठी हूँ एक ही जगह पे। सॉरी गाइस, आज मैं खाना नहीं बना सकती क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि गैस के सामने, हीट के सामने नहीं जाने के लिए, और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी बिजी हैं ऑफिस के काम में। तो मैंने आज खाना ऑर्डर किया है, नवरात्रि का व्रत वाला थाली ऑर्डर किया है, आता ही रहता होगा, मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है। सुबह मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया था और मेडिसिंस भी खाया है, आई होप ये जल्दी ठीक हो जाए। मुझे तो बहुत टेंशन थी इस बात की कि नवरात्रि का आज डे 5 है और मैं फ़ोटो कैसे क्लिक करूं और मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स में कैसे पोस्ट करूं। मेरे सिस्टर इन लॉ ने मुझे एक अच्छा आइडिया सजेस्ट किया है, गॉगल्स। आज मैं ये पहन के फ़ोटो क्लिक करूंगी, सही है ना? अब नहीं दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है कि मेरे आंखों में एलर्जी हुआ है करके। हाँ, फेस थोड़ी स्वेलिंग है लेकिन आंखों में एलर्जी पता नहीं चल रहा है। तो आज मैं सिंपल सा लुक क्लिक करूंगी और अपलोड करूंगी। जैसा कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि कोई भी कॉस्मेटिक्स, मेकअप या ज्वेलरीज कुछ भी नहीं लगाने के लिए, तो मैंने आज कुछ भी यूज़ नहीं किया है, पूरा सिंपल हूँ। फेस भी मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि पानी से बहुत इरिटेशन हो रही थी मुझे। आज नवरात्रि का डे 5 मुझे बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा, आंखों में एलर्जी और नेक में स्प्रेन, फिर भी मेरा स्पिरिट नहीं गई है और मैंने रॉयल ब्लू कलर का ये ड्रेस पहना है। मैंने सिंपली पहना है, नेक स्प्रेन है तो मैंने इतना कुछ एफर्ट्स नहीं डाला कि कुछ हेवी सा पहनूं, तो मैंने एक सिंपल सा टी शर्ट पहना है रॉयल ब्लू कलर का, और ये प्रॉपरली जा रहा है आज के थीम के साथ, रॉयल ब्लू कलर है। मैं वेट कर रही हूँ खाना कब आएगा और हम लोग खाएंगे, और खाने के बाद मुझे फिर से मेडिसिंस भी लेना है। नवरात्रि व्रत थाली में आज आया है पूरी, आलू की सब्जी, समा के चावल का ये खिचड़ी, फास्टिंग वाला खीर, छोले सलाद, बनाना मालपुआ। चलो इसको अब फटाफट खा लेते हैं। मैडम की आँख खराब, इसलिए चश्मा पहन के खा रहे हैं, व्हाट अ फनी। घर पे जब पूरी बनाते, आउच सॉरी, मेरा गर्दन भी नहीं हिल रहा है, रुको। हम घर पे जो पूरी बनाते हैं ना, कोई बात नहीं, हम आगे से ले लेंगे। हम घर पे जो रुको एक सेकेंड, हम घर पे जो पूरी बनाते हैं कितना सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट ही नहीं है। तो पानी में डाल के खाएं फिर। देखा, मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। बहुत सही है, थोड़ा खीर के साथ में पूरी खाती हूँ। फास्टिंग में ये समा के चावल होता है ना, समा का चावल, उसी से बनता है, फिर अच्छी है। ये मैंने एक ओडिया रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, मालपुआ खाऊं? मालपुआ अच्छी है, ऑयली है बट अच्छी है। थोड़ा सा ये टेस्ट कर लेती हूँ, खिचड़ी। मीठा वाला दही बोला था देने के लिए, दिया नहीं, दही इसने नहीं दिया। खिचड़ी भी मीठी है, कानिका बनाते हैं ना हम लोग,
ये थोड़ा एक कानिका और खिचड़ी का मिक्स है, मीठी वाली खिचड़ी। ओके। इसमें थोड़ा सा साबूदाना भी डाला है, साबूदाना और चावल का खिचड़ी है। अच्छी है ये, डिफरेंट है, मैंने ट्राई किया आज। चलो आज हम लोग यही खा लेते हैं, कल ट्राई करूँगी खाना बनाने का, ठीक है। मैंने सोचा था कि अच्छा सा एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, पर बैड लक, आई एम सॉरी आई कांट शेयर टुडे, आई कांट कुक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप जो भी चीज़ प्लान करते हो वो होता नहीं। सिमिलरली मेरे साथ तो ऐसा बहुत ही बार हुआ है कि मैं जो भी चीज़ प्लान करती हूँ, सोचती हूँ करने के लिए, बहुत टाइम होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसे इशू आ ही जाते हैं। बट स्टिल द शो मस्ट गो ऑन। मुझे लगा कि अगर मैं आप लोगों के साथ हैप्पीनेस शेयर कर रही हूँ, हर दिन एक नया रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आज का भी ये व्लॉग मैं शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि आज मैं कुछ कुक नहीं कर पाऊँगी और मैं ठीक नहीं हूँ थोड़ी सी। आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं बहुत स्केरी दिख रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। पर मुझे ना ये व्लॉग बना के बहुत ही पॉजिटिव फील हो रही है, मैं एक्टिव फील कर रही हूँ कि मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, वरना मैं मेडिसिन खा के दिन भर ऐसे ही सोती रहती थी जो भी, मैं दिन भर ऐसे ही सोई मैं मेडिसिन खा के दिन भर ऐसे ही सोती ही थी। क्या है हिंदी, एग्जैक्ट हिंदी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं दिन भर सो रही होती थी, मैं मेडिसिन खा के दिन भर सोती रहती थी, ठीक है आप समझ गए ना बस। चलिए, आई विश यू अ हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन, स्टे सेफ, टेक केयर, स्टे ट्यून टू माय चैनल, बाय बाय, जय माता दी।